हाय फ्रेंड्स, तो दोस्तों देखते हैं हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें मिसिंग टर्म पता करनी है। हमें एक अल्फाबेट्स की सीरीज दे रखी है, तो हमें यहाँ पे हमारा जो लुप्त पद है, जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमें पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक लॉजिक पकड़ना पड़ेगा कि भाई किस लॉजिक के बेस पर ये श्रृंखला, ये सीरीज आगे बढ़ रही है, ठीक है। हम एक काम करते हैं दोस्तों, जो हमें गिवन अल्फाबेट्स है उनकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग से हमें समझ में आ जाएगा कि भाई कितने कितने गैप चल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों एफ मेरा क्या होता है, 6, है ना। पहले मैं बात करूंगा हर एक टर्म क्या, जो पहला अल्फाबेट है सिर्फ उसकी, ठीक है। आई क्या होता है दोस्तों, 9। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच, 3 का, ओके। एल क्या होता है दोस्तों मेरा, 12। कितने का डिफरेंस दिख रहा है फिर से, 3 का। ओ क्या होता है दोस्तों मेरा, 15। कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो अब जब 3 का डिफरेंस लूंगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा मेरा, 18। अभी मैं अल्फाबेट को नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, वो हम बाद में लिखेंगे। ई की बात करते हैं दोस्तों, ई क्या होता है हमारा, 5। एच क्या होता है दोस्तों मेरा, 8। कितने का डिफरेंस है, 3 का। के क्या होता है दोस्तों मेरा, 11। कितने का डिफरेंस है, 3 का। एन क्या होता है दोस्तों मेरा, 14। कितने का डिफरेंस है, 3 का। फिर से 3 का डिफरेंस ले लो, अब क्या आ जाएगा, 17। अल्फाबेट को हम बिल्कुल लास्ट में लिखने वाले, ओके। तो दोस्तों डी मेरा क्या होता है, 4। जी मेरा क्या होता है, 7। कितने का डिफरेंस, 3 का। जे मेरा क्या होता है दोस्तों, 10। फिर से 3 का डिफरेंस है ना, अब समझ में आ रहा होगा आसानी से। एम क्या होता है दोस्तों मेरा, 13। कितने का डिफरेंस, 3 का। तो अब 13 में 3 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। बस अब इन अल्फाबेट्स का जो नंबर के हिसाब से जो कि अल्फाबेट बेटर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 18th अल्फाबेट कौन सा होता है हमारा, आर। 17th क्या होता है, क्यू। और 16th क्या होता है, पी। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों आर क्यू पी, ठीक है। तो आर क्यू पी इज द मिसिंग टर्म इन दिस सीरीज। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन के अंदर हमें मिसिंग नंबर बताना है, यानी कि लुप्त संख्या। हमें एक श्रृंखला दे रखी है और हमें यहाँ पे जो भी हमारा नंबर मिसिंग है उसे हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है दोस्तों कि इस एक सिंगल सीरीज में दो सीरीज चल रही है एक्चुअली में। कैसे देखो, 2 और 6 के बीच में कितने का गैप है, 4 का, ठीक है। एक एक नंबर छोड़ते जाओ, 6 और 10 के बीच में कितने का गैप है, 4 का। 10 और 14 के बीच में कितने का गैप है, 4 का, ठीक है। इसका मतलब हर जो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ जो नंबर है वो अपने आप में एक अलग सीरीज चल रही है, ओके। जो पहला, तीसरा, पांचवा जो कि हमें निकालना है, 7वां और ये 9वां, ये अलग सीरीज चल रही है। कैसे, कितने कितने गैप चल रहे दोस्तों, 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है, 2 का, ये हमें निकालना है। यहाँ पे एक बार 2 का गैप लगा के देखो, मैं 6 लिख रहा हूँ, 6 प्लस 2 8, इसका मतलब करेक्ट है। 8 प्लस 2 10, इसका मतलब ये प्लस 2 वाला लॉजिक हमारा करेक्ट है। तो हमारी मिसिंग टर्म क्या हो जाएगी, हमारा मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। बात समझ में आई, जो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवा, नौवा नंबर है वो अपने आप एक सेपरेट सीरीज चल रही है। कितने कितने के गैप पे चल रही है, 2-2 के गैप पे, है ना। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, ओके। चलो बढ़ते हैं अगले नंबर को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगले नंबर के अंदर हमें गलत संख्या बतानी है। हमें एक सीरीज दे रखी है, नंबर सीरीज, और यहाँ पे एक नंबर गलत है। अब हमें ये पता करना है कि वो गलत नंबर कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों 7 और 56 के बीच में क्या रिलेशन है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 आएगा, राइट। 56 को एक बार फिर से जरा 8 से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा, 8 से 48 होता है ना, तो ये 448 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इस फैसला मत ले लेना कि हाँ भाई ये नंबर गलत है, अभी हमें देखने तो सही क्या ये 8 के मल्टीपल आगे भी काम कर रहे हैं, अभी ये तो देखने दो। 448 को दोस्तों 8 से गुना करना क्या आएगा, 3584 आएगा। 3584 को 8 से गुना करो जरा, क्या आएगा, 28672 रहेगा। इसका मतलब हमने जो लॉजिक पकड़ा 8 वाला वो एकदम सही पकड़ा। इसका मतलब ये जो नंबर है 447, ये गलत नंबर है, रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे 448 आना चाहिए था ताकि ये पूरी की पूरी सीरीज एकदम ठीक बैठती, ठीक है। तो हमने एक लॉजिक पकड़ा और वो लॉजिक हमारे इस नंबर में सेट नहीं बैठा, तो ये जो नंबर है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। समझ में आई बात, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड हमारे अगले क्वेश्चन को। दोस्तों पहले जो 2 क्वेश्चन है वो रिलेटेड लेटर्स पे हैं, संबंधित अक्षर, ठीक है। तो हमें रिलेटेड लेटर्स पकड़ने हैं, रिलेटेड अल्फाबेट्स पकड़ने हैं, और नीचे वाले जो 2 क्वेश्चन है वो रिलेटेड नंबर बताना है, हमें संबंधित संख्या बतानी है, ठीक है।
तो हमें दोस्तों पहले वाले जो दो दे रखे हैं, जो एक अपने आप में एक पेयर हैं, वहां से हमें एक लॉजिक को पकड़ना है और उस लॉजिक को हमें थर्ड वाला जो हमें क्वेश्चन गिवन है हमें वहां लगाएंगे। तो जो क्वेश्चन मार्क वाली जो रिलेटेड टर्म है, रिलेटेड नंबर है, वो हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखते हैं पहले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। वैसे बहुत ईजी है, मुझे उम्मीद है कि आपसे हो गया होगा ये। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक पेयर दे रखा है, फ्लावर और RWOLF। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये जो वर्ड है ये टोटली रिवर्स लिखा हुआ है हमारे पहले वाले वर्ड का। देखो फ्लावर ये इस सीक्वेंस में लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे क्या है, राइट टू लेफ्ट, एज सिंपल एज दैट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स। ठीक है, तो अभी क्या है, ये लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, अब हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट लिख देना है, बस हमारा आंसर निकल आएगा। चलो लिखना चालू करते हैं फिर। फ्रू टी एस, ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, STRUF। इसी बहुत इजी है। ठीक है, देखें जरा अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगले क्वेश्चन के अंदर में एक पेयर गिवन है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाले की तरह बिल्कुल इजी नहीं है कि मैं देखते ही पता लग जाए। ठीक है, तो ऐसे वाले पेयर के अंदर आप नंबरिंग कर ले करो और ये देखा करो उन नंबर के बीच में क्या रिलेशन निकल करके आ रहा है। जैसे पी क्या होता है दोस्तों हमारा 16, जेड क्या होता है 26, क्यू क्या होता है हमारा 17 और डब्ल्यू हमारा क्या होता है 23। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी नंबरिंग कर देंगे। दोस्तों एन क्या होता है 14, तो कितने का गैप है यहाँ पे, -2 का। एक्स क्या होता है दोस्तों मेरा 25, सॉरी एक्स क्या होता है मेरा 24, तो दोस्तों यहाँ पे देखो फिर से कितना गैप, 2 का। ओ मेरा क्या होता है 15, तो क्यू और ओ के बीच में दोस्तों कितना डिफरेंस है, 17 और 15 के बीच में 2 का। डब्ल्यू क्या होता है 23 और यू क्या होता है 21, कितने का गैप है, 2 का। तो अब दोस्तों यहां से आपने एक लॉजिक पकड़ लिया, इस लॉजिक को उठा करके आपको यहां लगा देना है। सबसे पहले काम करते हैं नंबरिंग कर देते हैं। F6 होता है, I9 होता है, S19 होता है, JK, तो K हमारा 11 होता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, -2 करना है। ठीक है, अगर 6 है तो हमें फोर्थ अल्फाबेट लिखना है, क्या होता है फोर्थ अल्फाबेट, D। 9 है तो हमें सातवां अल्फाबेट लिखना है, सातवां अल्फाबेट हमारा क्या होगा, G। 19 है S, तो -2 क्या होगा, 17वां, 17वां हमारा कौन सा होता है दोस्तों, क्यू। के हमारा 11th है तो -2 कर देंगे तो कौन सा अल्फाबेट आएगा, 9th। 9th क्या होता है दोस्तों, I। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, DGQI, सिंपल। ठीक है, देखें हमारे अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगले क्वेश्चन के अंदर रिलेटेड नंबर, संबंधित संख्या पता करनी है, इन दो नंबर के बीच में किसी तरीके का संबंध है, उसे समझते हुए उस संबंध को हमें यहाँ लगाना है और हमारे आंसर को हमने पता करना है। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों बहुत ईजी है, 147 लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, सेम चीज, इसलिए मैंने इन वाले क्वेश्चन को साथ में लिया। ठीक है, क्योंकि एक ही जैसी टाइप के हैं ये ऑलमोस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, लेफ्ट टू राइट 869, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं राइट टू लेफ्ट लिख दूंगा। ठीक है, 869 में तो क्या हो जाएगा, 869 रिवर्स, राइट टू लेफ्ट लिख दिया मैंने, तो इसका उल्टा हो गया 968। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 968। देखिए अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगले क्वेश्चन के अंदर अगर आप एक चीज नोटिस करो कि 8 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है 6, वो इन दोनों डिजिट के सम के इक्वल है। मतलब पहले वाला जो नंबर है वहां पे जो डिफरेंस है और जो दूसरे वाले नंबर का सम है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो दोस्तों 7 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का। तो यहां पे क्या नंबर आना चाहिए, 0 और 1, ताकि इन दोनों का सम इक्वल हो जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 1। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चंस को। तो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें नीचे पेयर्स दे रखे हैं A B C एंड D, और हमें यहाँ पे दोस्तों हमें वो पेयर बताना है जो दूसरों से, मतलब बाकी के तीन से अलग हटके है। यानी दोस्तों हमारा जो भी आंसर ऑप्शन होगा उसके अंदर वो चीज कॉमन नहीं होगी जो बाकी के तीन पेयर्स के अंदर होगी। तो एक काम करते हैं, आप सभी का ना डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा। देखो 40 में से 10 गया तो 36, 42 में से 233 गया तो 9, और 20 और 38 के बीच में कितना फासला है, 18 का, और 91 और 12 के बीच में कितना फासला है, 79 का। ठीक है, तो दोस्तों इन तीन नंबर को अगर देखो तो ये तीन नंबर किसके मल्टीपल है, 9 के। 9 मतलब 9, 9 को 2 से किया 18,
नौ को चार से मल्टीप्लाई किया तो 36, क्या ये 9 का मल्टीपल आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। यह इसको आप ऐसे देख लो कि सारे के सारे नंबर 36, 9 और 18 तीन से डिविजिबल है क्या? नहीं। क्या 79 तीन से डिविजिबल है? नहीं। तो दोस्तों ये हमारा डिफरेंट फ्रॉम अदर पेयर हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगले सेम ही है, ओड नंबर बताना है हमें, विषम संख्या बतानी है, यानी चार में से हमें वो नंबर बताना है जो बाकी के तीन से अलग हटके है, ठीक है। तो दोस्तों वैसे तो इस नंबर के अंदर कुछ एकदम से देख के नहीं पता लगता, ठीक है। कई बार क्या होता है कुछ नंबर स्क्वायर्स के ऊपर नीचे कर रखे हैं कुछ प्लस माइनस में, लेकिन यहाँ पे वो चीज भी नहीं है, है ना। एक काम करो, सारी डिजिट्स का सम कर लो, चार पाँच, चार और पाँच नौ, नौ और दो ग्यारह, ठीक है। सम कर रहा हूँ मैं, चार चार आठ और तीन ग्यारह, छः और तीन कितना गया बारह, आठ और चार बारह, बारह और तीन पंद्रह। दोस्तों ग्यारह ओड नंबर है, ग्यारह ओड नंबर है, पंद्रह ओड नंबर है, बारह इवन नंबर है, ठीक है। तो एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्ट ऑप्शन सी, ऑल अदर्स आर व्हाट ओड नंबर्स, ठीक है। ये क्लोज था इवन नंबर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट